बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित वन विभाग के मुख्य कार्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन वृत्त के सभी DFO, रेंज ऑफिसर और डिप्टी रेंज ऑफिसर ने भाग लिया। बिलासपुर वन वृत्त के मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जल भंडारण योजना के तहत बिलासपुर वन वृत्त में करीब 12 से 15 चेक डैम लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक पानी मिल सके। इस योजना के तहत कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि वनों में सबसे अधिक उत्पादन स्वच्छ पानी का है और इस समय हर जगह पानी की मांग चल रही है। ऐसे में सरकार ने पानी के संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर चेक डैम लगाने का निर्णय किया है। इसी के तहत बिलासपुर जिला व कुनिहार डिवीजन के करीब 12 से 15 चेक डैम स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। कार्यशाला में DFO रेंजर्स और डिप्टी रेंजर्स को साइट सिलेक्शन व टेक्सचर कार्य को करने के बारे में जानकारी भी मुहैया करवाई गई। वनों में सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद आजकल देखा जाए तो स्वच्छ पानी है। पानी की हर जगह किल्लत हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो पानी को कैसे रेनफॉल का पर्कुलेशन बढ़ाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, हिमाचल सरकार ने ये तय किया कि बड़े स्तर पर हम चेक डैम्स, पाउंडेज ऑफ वाटर्स बनाएंगे। तो इस बार हमने तय किया है कि बिलासपुर जिला में और हमारा कुनिहार डिवीजन जो सोलन जिला का है, इसमें कम से कम 12-15 बड़े चेक डैम, जिसमें कि काफी पानी की पाउंडेज होगी, उसको हमने चिन्हित किया हुआ है। उसी संबंध में आज मेरे सभी DFOs, सभी रेंज ऑफिसर्स और सभी डिप्टी रेंजर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने एक्सपर्ट इंजीनियर जो हाइड्रोलॉजी के वो प्रवक्ता भी बुलाए हैं, तो उनको ट्रेन कर रहे हैं कि साइट सिलेक्शन कैसे करना है और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा पाउंडेज पानी की हो सके और उससे जो है लोगों को जल की सुविधा मिल सके। तो उसी संबंध में आज ये कार्यशाला हो रही है और वैसे भी आपको पता है कि वन विभाग ये कार्य पहले से करता आ रहा है, लेकिन इस विशेष स्कीम में धन की कोई कमी नहीं है। जो मौके के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी कैचमेंट को ट्रीट करने का, वो पाउंडेज के साथ साथ हम ऊपर से टॉप टू बॉटम इसमें जो सॉइल कंजर्वेशन के काम भी करेंगे, पूरे वाटर सेट को ट्रीट करेंगे। इसमें पॉन्ड एक इकलौता पॉन्ड कंस्ट्रक्शन या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरी कैचमेंट को ट्रीट करेंगे ताकि वो कैचमेंट बढ़िया हो और जो हमारे नदी नाले जो कि 12 महीने चलते थे पहले, कई साल पहले, और अब सूख गए हैं, वो रिचार्ज हो और पानी को बढ़ावा मिल सके। जी,